नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरएस ब्रेक न्यूज़ में स्वागत है। राजस्थान के संविदा कर्मियों के बारे में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मीडिया के माध्यम से सवाल पूछा गया था, सवाई माधोपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी थी, उसके अंतर्गत उनसे सवाल पूछा गया, क्या संविदा कर्मियों को आपने नियमित करने का जो वादा किया था, तो क्या आपने संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें संविदा कर्मियों पर बोले कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमने संविदा कर्मियों के लिए जो रूल बनाए हैं उस रूल के माध्यम से हम सभी को नियमित कर देंगे। पिछली बार भी तो उन्होंने किसानों के लिए जो अलग बजट लाए थे, तो उसी प्रकार इस बार का जो बजट होगा वो राजस्थान के युवाओं के लिए होगा। नए संविदा नियमों से राजस्थान के संविदा कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी विसंगतियाँ हैं। 45 से जो ऊपर हैं संविदा कर्मचारी उनका क्या होगा, 3 संतान हैं उनका क्या होगा, इस प्रकार लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी भी इसको लेकर बीकानेर में जो संविदा कर्मचारी हैं उनका पड़ाव चल रहा है, वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जो संविदा नियम आया था उस समय सरकार ने कहा था कि किसी भी संविदा कर्मचारी को वंचित नहीं रखा जाएगा, उस संविदा नियमों के अंतर्गत ले लिया जाएगा। जब गोविंद सिंह डोटासरा जी को संविदा कर्मियों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, कर्मियों के लिए कैडर बना दिया गया है। पहली बार राजस्थान में कहीं नहीं है कि संविदा कर्मियों का एक कैडर बना करके उनको नियमित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल की गई है। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि पहले जो संविदा कर्मी होते थे उनको चाहे जब हटा दिया जाता था, उनके तनख्वाह कब बढ़े नहीं बढ़े, ये सारे प्रॉब्लम्स थी, उनको सबको दूर करते हुए उनके रूल एंड नियम बना दिए गए हैं, एक कार्डर बना दिया गया है जिससे उनको कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।